फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चिट्टू एंड बिट्टू वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेस से रिलेटेड कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दो। हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम स्पेस के बारे में बोलते हैं तो जो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं 8 प्लैनेट्स प्लस वन ड्वार्फ प्लैनेट जो होता है प्लूटो, और उन प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स, मून, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, सन, ये चीज हमारे दिमाग में आती है जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं। पर स्पेस इतना छोटा नहीं है। स्पेस के अंदर से एक सोलर सिस्टम नहीं है, स्पेस के अंदर से मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स है। स्पेस हमें लगता है इतना सही होगा, पर स्पेस की कोई लिमिट ही नहीं होती। स्पेस हैव नो लिमिट, स्पेस की कोई लिमिट ही नहीं होती। स्पेस हर सेकेंड एक्सपेंड होता रहता है, यानी कि वो हर एक सेकेंड बढ़ता रहता है, और स्पेस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स देयर इज नो वर्ड नाउ एग्जिस्टेड। मतलब फिजिक्स के लॉज से अगर हम देखें तो जो नाउ वर्ड है वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम नाउ कहते हैं वो पास्ट बन जाता है। तो नाउ कभी फिजिक्स के लॉज में एग्जिस्ट ही नहीं होता, नाउ बस हम ऐसे ही समझाने के लिए भी बोल देते हैं। अभी हमारे ये बिग स्पेस में सबसे बड़ी चीज क्या है और हम कहां पर है? तो हमारा अर्थ सोलर सिस्टम, और यानी कि जो पूरा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे के अंदर आता है। और मिल्की वे इतना 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 बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मिल्की वे के अंदर कम से कम 5000 करोड़ प्लैनेट्स है, और जिसमें से एक हमारा अर्थ भी है। सोचो, मिल्की वे के अंदर 5000 करोड़ प्लैनेट्स है, क्या पता उससे ज्यादा भी। ये तो बस एक अप्रॉक्स है कि इतने प्लैनेट्स है, इससे भी ज्यादा प्लैनेट्स है मिल्की वे में। अगर आप इस फोटो को जो मैंने यहाँ पर रखा है इसको ध्यान से देखें तो जो आपको टाइनी स्पॉट दिख रहा है वो टाइनी स्पॉट हमारा सोलर सिस्टम है, और उसके भी अंदर हमारा अर्थ है। तो इमेजिन करो कि अर्थ कितना ज्यादा छोटा है अगर हम मिल्की वे से कंपेयर करें तो। अभी क्वेश्चन ये अराइव होता है, यानी कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि मिल्की वे से भी कोई बड़ी चीज हो सकती है। तो हाँ, मिल्की वे का एक नेबर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से भी ज्यादा बड़ी है। तो सोचो हमारी स्पेस कितनी बढ़ सकती है। और ये तो सिर्फ हमने पता लगाया है कि यही होता है, अभी तक हमारे पूरे स्पेस के बारे में हर एक चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सोचो स्पेस कितनी बड़ी हो सकती है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। देखा जाए तो हमें स्पेस के बारे में कितनी चीजें पता है, यानी कि हम हमारे सैटेलाइट्स के साथ कहाँ कहाँ जा चुके हैं। जैसे आपको पता है, हम मून में गए और मार्स पे हमने हमारे सैटेलाइट भेजी, और अभी भी साइंटिस्ट मार्स को रिनोवेट करने के आइडिया सोच रहे हैं, और मार्स को कैसे हम हैबिटेबल बना सकते हैं इंसानों के लिए वहां पर रहने के लिए, हम वो सोच रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ हमारे नेबर प्लैनेट की तरफ है, हमारा नेबर प्लैनेट यानी कि मार्स, हम अभी से वहां पर सोच रहे हैं जाने का। अगर हमें उससे भी आगे जाना होगा तो हमें और वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। और एक क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सिर्फ मार्स ही क्यों, हम सिर्फ मार्स पे ही क्यों जाना चाहते हैं, मार्स पे ही लाइफ पॉसिबल क्यों है, और ज्यादा साइंटिस्ट लोग सिर्फ मार्स ही क्यों चूज कर रहे हैं हैबिटेबल प्लैनेट, बाकी के 9 प्लैनेट्स भी तो है वहां पर क्यों नहीं, जैसे बाकी के प्लैनेट्स हैं जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून और प्लूटो भी। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं हम यहाँ पर क्यों नहीं जा रहे और सिर्फ मार्स पे क्यों जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सन है, यानी कि जरा सन के जो सबसे ज्यादा करीब प्लैनेट है, यानी कि जो बहुत ज्यादा पास है, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जाना इम्पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वहां पर लाइफ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं वीनस की, क्या वीनस में क्यों नहीं जा सकते, वीनस भी तो जाना इजी है, मतलब वो भी हमारा एक नेबर प्लैनेट टाइप ऑफ है। वीनस में इतनी ज्यादा हीट है क्योंकि वो सूरज के बहुत पास में है, इसलिए सूरज के पास होने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा हीट है। हीट के वजह से अगर वहां पर हमारा पेड़ भी रखे तो हम पूरे जल सकते हैं, तो वहां पर जाना रिस्की है। और वीनस के साइड में हमारा अर्थ, हमारे अर्थ के साइड में मार्स, और मार्स के साइड में आता है जुपिटर। तो ये जुपिटर, सैटर्न और भी बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो पूरे गैसेस से भरे हुए हैं, यानी कि वहाँ पर कोई लैंड सर्फेसिस ही नहीं है, तो वहाँ पे जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और प्लूटो वो तो एक ड्वार्फ प्लैनेट ही है, वो पूरा एक फ्रोजन आइस के रूप में है, तो हम उधर बिल्कुल नहीं जा सकते, इसलिए मार्स इज द बेस्ट आइडिया टू गो एंड रिनोवेट इट। अगर हमें पूरे स्पेस घूमना है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना होगा,
क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से फास्टेस्ट कोई और चीज ट्रैवल नहीं करती, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है मतलब लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड में से गिनी जाती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड अकॉर्डिंग टू साइंस ऑल्सो। तो यानी कि लाइट की स्पीड से ज्यादा कुछ फास्ट है, तो अगर हम उससे स्पेस में घूमें तो शायद हम और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं और बहुत सारे और प्लैनेट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। और इक्वेशन, क्या एलियंस असलियत में एग्जिस्ट करते या नहीं करते, वो तो एक रियली एक क्वेश्चन है। पर अगर मैं आपको बता कि एलियन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलियंस असलियत में होता क्या है। सबसे पहले अगर हम कहते हैं कोई भी फॉरेनर, यानी कि कोई भी अगर मैं कहती हूँ फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री का मतलब वो कंट्री जो हमारे इंडिया के पार्ट में नहीं है, फिर वो कोई और कंट्री, उसे हम फॉरेन कंट्री कहते हैं। वैसे ही एलियंस होते हैं, एलियंस वो लोग होते हैं जो हमारे प्लैनेट से नहीं कोई और प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, उन्हें एलियंस कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एलियंस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो असलियत में एलियंस एक इमेजिनेशन भी नहीं है, एलियंस असलियत में हो भी सकते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता, पर मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बताती हूँ कि हमारे, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में मतलब अभी पहले बताया कि हमारे मिल्की वे में कम से कम 5000 करोड़ प्लैनेट्स तो है, इतने सारे प्लैनेट्स। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इतने सारे प्लैनेट में से एक, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनमें से एक प्लैनेट हैबिटेबल होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि 5000 करोड़ प्लैनेट में से सारे प्लैनेट्स हैबिटेबल नहीं है, वहां तो वहां पर जिंदगी नहीं हो सकती। क्या पता कि 5000 करोड़ प्लैनेट, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से क्या पता कि एक प्लैनेट तो हैबिटेबल हो, वहां पर ह्यूमंस हो या फिर ह्यूमंस भी नहीं या फिर यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, ये हो सकता है। तो वहां पर जो भी लोग रहते हैं वो हमारे एलियंस हो सकते हैं। तो क्या पता एलियंस असलियत में हो, अगर हम और उसके बारे में डेप्थ में जाए तो शायद से एलियन हो सकते हैं। देखा जाए तो ये बिल्कुल एक इमेजिनेशन है और मेरी माइंड ऑफ थिंकिंग है। मैं ये सोच रही हूँ कि एलियंस हो सकते हैं और क्यों नहीं हो सकते, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको लगता है एलियंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। पर फ्यूचर में हम इसके बारे में जरूर पता लगाएंगे जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस है अभी भी, पर जब बहुत एडवांस हो जाएगी हमारी टेक्नोलॉजी तब हम इसका पता लगा सकते हैं कि एलियंस असलियत में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, कि वो सिर्फ एक वर्ड है।